हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की स्टूडियो में हम चैप्टर टू जो कि वेब एप्लीकेशंस है, जो कि क्लास नाइन्थ और टेंथ सीबीएसई जो स्कूल्स हैं, क्लासेस जो उन पर्टिकुलर स्कूल्स में स्टूडेंट ने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और स्पेशली एज ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए यहाँ पर हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं, जो यहाँ कुछ पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के जो चैप्टर में से आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन फिलहाल फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, डेट वन इज द ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी यूज फॉर हेल्पिंग यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड टू रिड्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेन इज नॉन एज डैश कीज। तो उनको बोलते हैं स्टिकी कीज। नेक्स्ट, काफ़ी ये जो सेकंड क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, डेट वन इज साउंड सेंट्री इज डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विद डैश इम्पेयरमेंट्स। जो फिलहाल जो ऑडिटरी इम्पेयरमेंट से जो पर्टिकुलर जो यूज़र्स हैं वो इनसे जो फिलहाल उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो स्पेशल हम यूज़ करते हैं साउंडेटरी सेंसरी। नेक्स्ट, द हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी डिज़ाइन टू असिस्ट पीपल विद डैश इम्पेयरमेंट्स। जिनको विजन की इम्पेयरमेंट होती है ये स्पेशल उनके लिए होता है हाई कॉन्ट्रास्ट ऑप्शंस वगैरह जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी में है। नेक्स्ट, डैश इज डिज़ाइन टू असिस्ट पीपल डैट हैव डिफिकल्टी टू यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस। तो वो पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं सीरियल कीज़ का, जो उसके लिए स्पेशल सीरियल कीज़ या सीरियल की जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है, जो पीपल फिलहाल असिस्ट जो पीपल हैं विद डिफ़िकल्टी और उनको कीबोर्ड और माउस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन की फुल फॉर्म डेट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, वायर्ड थ्री इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है उनके एग्जाम्पल्स उन्होंने पूछे हैं, फर्स्ट वन इज डायल अप, सेकेंड वन इज DSLL एंड थर्ड वन इज केबल इंटरनेट एसेस। नेक्स्ट, थ्री टाइप्स ऑफ वायरलेस कनेक्शन जो आजकल मेनली सभी यूजर्स यूज करते हैं, 3G, आप यहाँ 4G भी लिख सकते हैं, सेकेंड वन इज WiMAX और थर्ड वन इज Wi-Fi। नेक्स्ट, डैश इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट डैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस मैसेजिंग। तो उसको यहाँ मैसेजिंग फिलहाल नहीं लिखा या मैसेज नहीं लिखा, सो फिलहाल यहाँ नीचे लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो उसके लिए हम IM यूज़ करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट, डैश 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 एंड डैश आर एंड वेब कैमरा आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है उसके लिए यहाँ पर देखिए वेब कैमरा तो लिखा हुआ, और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तो माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है और उस पर्टिकुलर माइक्रोफोन के साथ हैंडसेट भी होना चाहिए और स्पीकर भी होने चाहिए, जिसकी हेल्प से जिसकी वो भी जो दूसरी साइड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है उसकी आवाज़ हम तक पहुँच सके। तो ये तो थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, और नीचे यहाँ कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेटवर्किंग की यहाँ डेफिनेशन पूछी गई है, उसके एडवांटेजेस पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पूछी गई है, फोर्थ में लैन एंड वैन में डिफरेंस पूछा गया है, इसमें मैन का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 5 एप्लीकेशन वेज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। तो फिलहाल ये अभी हमने इसकी डेफिनेशन कर ली है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। सो कौन कौन से एटिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज वाइल या इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर। सो ये आपने बताने हैं जो भी उसके यूज़ हैं। नेक्स्ट वन, पर्पस आपने बताना है ब्लॉग का, उसके बाद 5 वेबसाइट्स बतानी है जो ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसके बाद वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस बताना है आपने। 12th क्वेश्चन, आपने पर्पस बताना है ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का, उसके बाद कोई भी। नेक्स्ट 13 में 5 ब्लॉग्स एडिटर्स बनाने हैं जो आपने पर्टिकुलर पढ़े हैं, जो भी ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप बता सकते हैं, फिलहाल ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ऑनलाइन या ऑफलाइन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट 15, लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स डेट अलाउज या अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। इसमें नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी बहुत सारी हैं, फिलहाल ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अपने अकॉर्डिंग जो अभी बुक में दिया गया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट 16, लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। इसके लिए मेनली आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, ये भी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, जो मेनली थ्रेट्स यूजर्स वगैरह फेस करते हैं जब वो फिलहाल कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं या ऑनलाइन जो भी थ्रेट्स जब वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन्स, ये आपको पता होने चाहिए। तो फिलहाल आप बुक में रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रीड करके देखिए, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फैन के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।